तो उमा, सबसे पहले बधाई हो आपको, पूरी आईटी सो कैंपस मतलब स्टूडेंट ड्रीम जो टीम है उसकी पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई हो कि आपका फाइनली बहुत सिलेक्शन हो बहुत चुका है। तो सबसे पहले कैसा फील कर रहे हैं आप सिलेक्ट होने के बाद? अच्छा लग रहा है कि सिलेक्शन हो गया है फाइनली। अच्छा, जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा था तो उस समय आपको लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा मेरा फाइनली इसमें? हाँ लगता था, जिस तरीके से मैं पढ़ाई करती थी लगता था कि हाँ हो जाना चाहिए, लेकिन चलिए अब चलिए हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मुझे ये बताइए कि केवीएस का आपको पूरा जो आपने सिलेक्शन लिया एग्जाम फॉर्म से लेकर और फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो किस तरीके से आपकी जर्नी रही? और दूसरा ये बताइए कि जो एचडी कैंपस है, स्टूडेंट ड्रीम कैंपस, इससे आपको जी क्या मतलब सहायता, किस तरीके से एचडी कैंपस आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो वो थोड़ा सा एक बार बताइए, फिर आगे चलते हैं। मैंने इंटरव्यू के लिए एसडी कैंपस से ही तैयारी की थी। वहां जाने से ओके, पहले मैं बहुत लो कॉन्फिडेंट फील करती थी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, मैं बहुत अंडर अच्छा, कॉन्फिडेंट रहती थी। लेकिन वहां ओके, जाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली इंटरव्यू के दौरान। अच्छा, मतलब इंटरव्यू के दौरान आपको ऐसा तो नहीं लगा कि वहां जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो किसी तरह का डर, कोई भी आपका किसी भी तरह का कोई आपको हेजिटेशन वगैरह कुछ नहीं हुई, परफेक्ट हुआ आपका इसी तरीके का नहीं, प्रोसेस? वो मेरा हेजिटेशन निकल चुका था एसडी कैंपस में आकर। अच्छा, तो हेजिटेशन आप मतलब पहले ही आपका क्लियर हो चुका था, चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब इंटरव्यू में आपको काफी हेल्प मिली। चलिए, एक्टिव बेस्ड लर्निंग से आप कोई टॉपिक पढ़ा सकते हैं, मतलब ड्राइंग नहीं पढ़ाना है आपको, आपको ड्राइंग को कनेक्ट करना है दूसरे सब्जेक्ट के साथ। ओके ठीक, गो अहेड। गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर फाइन, मैम इज ऑल्सो फाइन। सो टुडे वी विल डिस्कस समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके सो आर यू ऑल रेडी? So now tell me, when did you wake up today? At 5 p.m. Okay, that's good. You tell me Raju, when did you wake up? You wake up at 6 p.m. 6 a.m. That's good. And you tell me Mithali, when did you wake up? You wake up at 6:30 a.m. Okay. So when you wake up, you peep outside the window. What do you see outside the window? Tell me. You tell me. What do you see outside the window? A tree. You see a tree. And what else? Tell me, what else do you see? A tree. Tree looks like this, right? And what else do you see? You see the flowers. Flowers. And the birds chirping. The birds are singing outside. The birds. And what else? The sun. The sun, which gives us sunshine, right? Then what else do you see when you go outside in the morning? You see people doing yoga. Do you also do yoga? Oh, your father does yoga. That's a very good habit. तो आई कॉन्टैक्ट वाला सर ने बोला बोर्ड आपने इरेज नहीं करा वापस आते वक्त, राइट? तो बोर्ड वैसे का वैसा है, तो बोर्ड इरेज करके आपको वापस आना है। और जब आप इरेज कर भी रहे हैं तो आपको डस्टर का यूज़ करना है, हाथ का यूज़ नहीं करना। आपने बीच में हाथ से इरेज करने की कोशिश करी थी, वो अच्छा नहीं है। सो थोड़ा स्माइल भी कर लो, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े मोनोटोन हो गए थे कि सिंगल एक्सप्रेशन आपका चलता था, तो थोड़ा स्माइल करना है, थोड़ा रिएक्ट करना है चीज़ों के साथ, ठीक है? और बीच में थोड़े फिलर्स आ रहे थे, गेट थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, ठीक है? और बाकी तो, और आखिर में जो साय आया, ओके, वो नर्वसनेस थी, आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है, उस वहाँ पे उसे अवॉइड करने की कोशिश करिए कि वो ना। कॉमा, टेक सम पॉज व्हाइल यू आर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, ठीक है? डायरेक्टली मैं नहीं बोल रहा कि हाँ बेटा पता है, ठीक है पता है, उस टाइम में थोड़ा पॉज लेना है। दूसरा, आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ करनी है, बिकॉज आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बच्चा समझ पा रहा है वो मैटर करता है, राइट? ये आपकी एबिलिटी अच्छी है कि आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं क्लास को, लेकिन हमारा कंटेंट क्या होता है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, राइट? बच्चा समझ पा रहा है तो आप इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करें, हिंदी प्लस इंग्लिश।